Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। सीबीएसई क्लास 12 की बात करें, जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं अपने आंसर शीट का, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, प्रोसेस बताऊंगा वेरिफिकेशन का। वैसे सीबीएसई ने तो कहा है कि दो बार हमने कॉपी चेक की है, इस बार कहीं एरर मिस्टेक की तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस है कि बहुत ही अच्छा पेपर किया था, मार्क्स इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको देखिए, वेरिफिकेशन का प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। क्लास 12 की बात करें, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, ऑनलाइन के द्वारा ही आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा वेरिफिकेशन कराने के लिए आंसर शीट का। तीसरी बात, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, दो सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तीन सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है सीबीएसई की तरफ से। चौथी बात, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चालान के द्वारा आप फीस पे कर सकते हैं वेरिफिकेशन का, जो 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है, ठीक है। पांचवी बात, वेरिफिकेशन का स्टेटस आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जो है cbse.nic.in पर। छठवीं बात, अगर कुछ मार्क्स में चेंजेस होता है आपका, तो एक फॉर्मल लेटर आपको सेंड किया जाएगा सीबीएसई रीजनल ऑफिस के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, जो आपके घर पे जाएगा। अगर कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो कोई लेटर आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा। ये इतनी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी क्लास 12 की वेरिफिकेशन ऑफ आंसर शीट के रिगार्डिंग। फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहा जा रहा है इसकी लिंक एक्टिवेट होगी, ये सीबीएसई का पूरा बताया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं इंटरनेट से सर्च किया हुआ, कहीं किसी का बताया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, जो बता रहा हूँ सीबीएसई का बताया हुआ है। बस थोड़ी सी फीस शायद चेंजेस हो सकती है, 500 रुपीस पर सब्जेक्ट ये चार्ज करते हैं, शायद 550 हो जाए, 600 हो जाए, लेकिन कंफर्म है कि 500 रुपए पर सब्जेक्ट ही रहेगी क्लास 12 की वेरिफिकेशन की। आंसर शीट की बात करें, ये फोटोकॉपी आंसर शीट की कैसे आप ऑप्टेन कर सकते हैं, तो वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो वेरिफिकेशन जिन्होंने कराया होगा, वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए। आंसर शीट के लिए भी आपको 700 रुपीस पर सब्जेक्ट पे करना होगा, वो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चालान के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। आंसर शीट की फोटोकॉपी लेने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आंसर शीट की फोटोकॉपी की लिंक एक्टिवेट होगी, वहां पे भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जहां पे आपको 700 रुपीज पर सब्जेक्ट पे करना होगा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चालान के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग साइन करना होगा और अपना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी, जहां पे साइन इसलिए करवाया जाएगा कि आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी कोई भी इंस्टीट्यूट को नहीं देंगे, ना दिखाएंगे, ना किसी स्कूल वाले को दिखाएंगे, ना डिस्प्ले करने के लिए देंगे, ना कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी आप नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको अंडरटेकिंग एक साइन करनी होगी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म फिलअप करते हुए सीबीएसई वाले साइन करवाएंगे आपसे। ये चीज आपको इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आप उस आंसर शीट को कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट में आप कोई इस केस का दावा नहीं कर सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आपको दिखा देते हैं,
Photocopy of evaluated answer book shall also not be challenged by any examinee in the court of law or make any claim on this account in any forum. ये सारी rules and regulations सब कुछ यहाँ पे दे दिया है. डेट निकल जाने के बाद आप आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. डेट निकल जाने के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एक बार आपने अप्लाई कर दिया है फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा. तो सोच समझ के जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है अप्लाई कर लीजिए. वेरिफिकेशन करवाएंगे तभी आप आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे. अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ आप आंसर शीट की कॉपी ले लें वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं. ₹500 वेरिफिकेशन का, ₹700 आंसर शीट की फोटोकॉपी का. इतनी बात समझ में आ गई आपको. अब इसके रिगार्डिंग कुछ आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए. वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, आंसर शीट की कॉपी के रिगार्डिंग आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा. वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.